महात्मा गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का और आज के दिन में जो विश्वप्रिय नेता है और हमारा प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका कितने सम्मान है एक देश जानते हैं। उन्होंने खुद हम सब लोगों को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों को, भारतीय जनता पार्टी सदस्यों को इंक्लूडिंग मंत्रियों को सहित महात्मा गांधी जी के 150वें वर्ष 150th ईयर ऑफ महात्मा गांधी जी के कैसे मना सकते हैं, ये तो कहते हुए उन्होंने कहा था वी हैव टू टेक अप पादयात्रा फॉर 150 किलोमीटर। एंड इस पादयात्रा में महात्मा गांधी जी का जो विचार है, महात्मा गांधी जी के लिए जो विश्व में सम्मान है, भारत में सम्मान है, महात्मा गांधी जी का त्याग, बलिदान और परिश्रम और सेवा के बारे में चर्चा करना है, लोगों को इसके लिए ज्ञान देना है, ऐसे कहते हुए हमारे सब, कम से कम हमारा जो राज्यसभा और लोकसभा मिलके करीबन 385 हमारा जो सदस्य है, सब ने पादयात्रा ली है। मैंने स्वयं, प्रधानमंत्री जी स्वयं महात्मा गांधी जी के जो विचार है वो विचार के स्प्रेड करने के लिए उन्होंने स्वयं बहुत रुचि लिया है। और जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, महात्मा गांधी, देखो हमने सब सुना है आपके, आप जब महात्मा गांधी जी के बारे में दुनिया में जाके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब उसके विचार में, जो भारत के, सिर्फ भारत के नहीं, वर्ल्ड आइकॉन महात्मा गांधी जी बन गए, उसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी सबके बारे में, सब देश में कह रहे। ये कहते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि गोडसे के बारे में सोचना ही गलत है, गोडसे को और जो कहना है देशभक्त कहना है, वो कहना है, ये कहना है, वो तो अलग छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी गलत है, ऐसे माननीय राजनाथ सिंह जी ने कल स्पष्ट रूप से कहा है। वी ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस ही हैज टोल्ड दैट देयर इज नो क्वेश्चन दैट गोडसे के बारे में कोई भी ऐसा बयान नहीं कर सकते। वो रिकॉर्ड पे है या नहीं है, सदस्य ने स्पष्ट रूप से माफी मांगा है। आपको पहले का सेंटेंस कृपया देख लीजिए, अगर स्पीकर को लगता है, नो यू लिसन टू मी फर्स्ट, वी हैव टू लिसन, स्पष्ट रूप से उन्होंने माफी मांगा। अब आप बैठो, किशन जी आप बैठिए। स्पष्ट रूप से उन्होंने माफी मांगा है, अगर स्पीकर को, सुनो, अगर स्पीकर को, स्पीकर ये समझते हैं कि स्पष्ट रूप से जो स्पीकर डायरेक्शन देंगे वो हमने वो सदस्य मानने के लिए तैयार है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं, रिकॉर्ड में है या नहीं है, सदस्य ने माफी मांगा है, इसलिए ये सदन सब जीरो ओवर चाहते हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। और जो कुछ भी निष्कांत जी ने कहा है और सदस्य ने भी कहा है,